दोस्तों ये है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले थर्ड चैप्टर फ्रॉम 11th क्लास मैथ वन में से ये थर्ड चैप्टर है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। यू नो फर्स्ट पीरियड में हमने इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए थे, ये चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी ऑल ऑफ द फॉर्मूले, ये चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पूरे फॉर्मूले यू हैव टू टेक एज इट इज। ये नियर अबाउट फॉर्मूले ये चैप्टर में फॉर्मूले है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में ये जो चैप्टर है उसमें से पहला क्वेश्चन देख लो, यू आर प्रोवाइडेड शीट्स एज वेल एज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्या है हमारे लिए शीट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड यू। अब यहाँ पर देख लो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो दोस्तों, क्या है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है ये कॉस 6 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा, दोनों कॉस 6 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा, क्या है फॉर्मूला हमारे लिए, यूजिंग फॉर्मूला मालूम है कॉस सी माइनस कॉस डी है, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस क्या है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 है ना, ये फॉर्मूला क्या होता है यार, ये माइनस 2 साइन 6 प्लस 8 14 बाय 2 यानी 7 थीटा इंटू साइन 6 माइनस 8 6 माइनस 8 माइनस 2 बाय 2 यानी माइनस थीटा, माइनस माइनस क्या होता है ये प्लस, साइन 7 थीटा इंटू साइन थीटा है, देख लो 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन थीटा है, ऑप्शन नंबर शायद बी, देख लो ऑप्शन नंबर बी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन ए प्लस कैन बी प्लस कैन सी फॉर एनी ट्रायंगल, कैन ए प्लस कैन बी प्लस कैन सी का देख लो क्या है, ये मालूम है ए बी सी सबके एडिशन के लिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, यू नो वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए कैन ए प्लस कैन बी प्लस कैन सी कैन ए प्लस बी प्लस इक्वल टू 180 ए प्लस बी इक्वल टू 5, क्या ये 180 माइनस है 180 माइनस सी है, क्या होता है ये कैन ए प्लस बी कैन ए प्लस बी इक्वल टू कैन 180 माइनस सी, हाँ कैन 180 माइनस कैन 180 माइनस सी यानी और माइनस कैन सी है, कैन 180 माइनस सी यानी 180 माइनस थीटा यानी माइनस टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी है, देख लो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या है माइनस है, क्या था ये माइनस 1 ये माइनस टेन सी है, ये माइनस माइनस क्या है प्लस टेन ए है, टेन ए इंटू ये देख लो क्या है यार टेन ए इंटू टेन बी इंटू है ये इंटू क्या है टैक्स है, ये लेफ्ट साइड एज इज है इक्वल टू, हाँ इसको ये लेफ्ट राइट साइड इसको लेफ्ट साइड कर लो, राइट साइड इसको लेफ्ट साइड कर लो, क्या ये टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी है, टेन ए प्लस टेन बी और ये माइनस टेन सी लेफ्ट साइड जाके प्लस टेन सी इक्वल टू क्या ये टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी है, ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या ऑप्शन दोस्तों देख लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए ए ऑप्शन है, देख क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो, क्वेश्चन देखते जाओ फॉर्मूले ओनली फॉर्मूले, ए चैप्टर के लिए यू शुड नो ओनली फॉर्मूले, फॉर्मूले का शीट उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम्स का शीट और तुम्हारा बुक एक साथ रहने दो, देख के सॉल्व करो वीडियोस आर है ना, वीडियोस बार बार रिपीट करते जाओ, स्टेप्स देखते जाओ और ओनली सिंप्लीफाई करते जाओ, मेथड्स याद रखो, इतने सारे फॉर्मूले पॉसिबल नहीं है तो भी ओनली सिंप्लीफाई करते जाओ, यू विल गेट योर आंसर, यू शुड नो फॉर्मूले, फॉर्मूले मालूम होना
इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स सिंप्लीफाई करते जाओ। हाँ, देख लो क्या है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो यार, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए क्या है, साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी है। देख लो साइन ए, ये फार्मूले तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूले वोल्टेज शिफ्ट पे है तो भी तुम ट्राई करो, हाँ देखेंगे क्या है। क्या आ सकता है यार ये, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी टू इंटू साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू। ये साइन सी के लिए टू, साइन सी बाय टू इंटू कॉस सी बाय टू है। सुनो वेरी वेल, क्या ये साइन ए प्लस बी बाय टू हाफ एंगल फॉर्मूले ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए फॉर्मूले है ना। तुम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का पीरियड बहुत अच्छी तरह से कवर कर लो, उसके बाद साइन ए प्लस बी बाय टू यानी वॉट क्रॉस सी बाय टू बाई टू यानी साइन बिकम्स क्रॉस इंटू क्रॉस ए माइनस बी बाय टू माइनस टू साइन सी बाय टू इंटू क्रॉस सी बाय टू है। उसमें से हम टू क्रॉस सी बाय टू कॉमन लो, फिर क्या मिलता है ये क्रॉस ए माइनस बी बाय टू है माइनस क्या आता है ये साइन सी बाय अगेन साइन सी। क्या है यार ये साइन सी के लिए मालूम है फॉर्मूला, साइन सी यानी अगेन क्या है, क्या होता है ये साइन सी बाय टू यानी वॉट क्रॉस ए प्लस बी बाय है क्रॉस सी है ना, क्रॉस सी माइनस क्रॉस बी। अगेन देख लो ये फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल है, टू इंटू क्रॉस सी बाय टू क्रॉस सी प्लस क्रॉस सी माइनस क्रॉस बी क्या होता है ये माइनस है ना। ये माइनस होने के बाद फार्मूला है हमारे पास, इसका लास्ट फार्मूला देख लो क्या ये, इसके लिए हम ले सकते फार्मूला क्रॉस सी माइनस क्रॉस डी ले लो तुम, चलो टू इन माइनस टू इंटू साइन क्या है साइन ए माइनस बी बाय टू प्लस ए प्लस बी बाय टू इंटू साइन क्या है ए माइनस बी है ना, ए माइनस देख लो क्या ही है बाय टू अगेन बाय टू, हाँ ए माइनस बी बाय टू और ये माइनस ए माइनस बी बाय टू है, ये प्लस अगेन बाय टू इंटू साइन सी प्लस बी बाय टू इंटू साइन सी माइनस बी बाय टू। ये फॉर्मूले देख लो बराबर, टू इंटू क्रॉस सी बाय टू फोर टू जा फोर है, कितना आता है माइनस फोर क्या ये कैंसल हो रहा है, ये बी बाय टू ये बी बाय टू माइनस और प्लस कैंसल होता तो ए बाय टू टू ए बाय टू टू कैंसल क्या आता है ये साइन ए बाय टू, देन ये प्लस और ये माइनस कैंसल तो क्या आता है ये साइन माइनस भी माइनस क्या आता टू बी बाय टू यानी वॉट ऑनली बी बाय टू है, हाँ माइनस माइनस प्लस होता है ये साइन ए बाय टू इंटू साइन बी बाय टू इंटू क्रॉस सी बाय टू है। देख लो ये है तुम्हारे लिए है ऑप्शन नंबर डी लास्ट ऑप्शन, देख लो ऐसे पॉसिबिलिटी कम तो भी देखते जाए एक छाटा क्वेश्चन, हाँ वन क्वेश्चन इतना लंबा पॉसिबल ना है तो भी फॉर्मूले देखते जाओ यूज करते जाओ यू विल गेट यू वन सर। क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आओ दोस्तों, हाँ क्वेश्चन नंबर फोर हाँ क्वेश्चन नंबर फोर हाँ ये फोर क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आओ क्या है, कॉस स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर बी प्लस कॉस स्क्वेयर सी है। देख लो क्या है ये कॉस स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर बी प्लस कॉस स्क्वेयर सी, हाँ देख लो क्या है ये कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू मालूम है फॉर्मूला, वन प्लस कॉस टू ए बाय टू, वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा यानी टू इंटू कॉस स्क्वेयर, देन वन प्लस कॉस ऑफ टू बी बाय टू प्लस क्या है ये कॉस स्क्वेयर सी है, ये
हाफ प्लस है ना ये हाफ प्लस वन बाय टू कॉमन लो cos 2a प्लस cos 2b है प्लस क्या आता है ये cos स्क्वायर c हाफ हाफ यानी वन हाफ हाफ यानी व्हाट वन प्लस वन बाय टू इंटू cos c प्लस cos d टू इंटू cos 2a प्लस 2b बाय टू यानी a प्लस b है और cos 2a माइनस 2b बाय टू यानी व्हाट a माइनस b प्लस क्या है cos स्क्वायर c ये टू टू कैंसिल हो रहा मालूम है दोस्तों क्या है ये a प्लस b a प्लस b a प्लस b यानी cos एज इट इज a प्लस b यानी c देखिए क्या आता है ये a प्लस b यानी व्हाट cos के लिए माइनस याद रखो सेकंड क्वाड्रेंट इनटू cos a माइनस b प्लस cos स्क्वायर c देख लो वन क्या आता ये इसमें से इतने cos c कॉमन हुआ cos c कॉमन लो यानी क्या मिलता ये cos a माइनस b और ये प्लस cos c यानी व्हाट प्लस cos c ये माइनस बाहर लेने के बाद प्लस cos c यानी क्या आता ये माइनस cos a प्लस b लेकिन हमने माइनस ये प्लस का क्या हुआ माइनस बाहर लेने से अंदर माइनस अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस हाँ फिर क्या है दोस्तों देख लो ये इसके लिए वन माइनस ये क्या है cos c cos c cos cos c प्लस cos d के लिए टू इंटू cos है टू इंटू cos a प्लस b प्लस यानी माइनस b प्लस b कैंसिल a प्लस a टू a बाय टू यानी a और ये cos माइनस ए कैंसल यानी बी है तो इनटू क्या आता ये वन माइनस टू क्रॉस ए इनटू क्रॉस बी इनटू क्रॉस ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर डी लास्ट ऑप्शन ये है ऑप्शन नंबर डी ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते यू कैन सॉल्व योरसेल्फ इसी तरह सॉल्व करना एक मिनट का काम है देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के लिए और दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड टेक्स्ट बुक में से है क्वेश्चन एड भी आते हैं बड़े बड़े जो प्रॉब्लम है एड भी आते मेथड सेम है सॉल्व करते जाओ हाँ देख क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के लिए आओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए आओ हाँ क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 120 है ये तुम्हारे लिए देख लो क्या है ये है हाँ अब ये cos स्क्वायर थीटा जो भी है फॉर्मूले वो देखते जावा क्या है cos स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस cos थीटा बाय 2 cos स्क्वायर यानी 1 प्लस cos 2 थीटा यानी 2 थीटा प्लस 240 है बाय 2 तो ये 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 240 ये सॉरी हां बाय राइट ये हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ ये 1 प्लस 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2 यानी व्हाट 3 बाय 2 है 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 3 बाय 2 क्या ये cos 2 थीटा प्लस क्या ये cos 2 थीटा प्लस 240 और ये प्लस cos 2 थीटा माइनस 240 है ये cos c प्लस cos d है cos c प्लस cos d के लिए हम यहां पर 3 बाय 2 cos ऑफ 2 थीटा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है ना cos c प्लस cos d टू इंटू क्या है cos ऑफ ये c प्लस d दो टू थीटा यानी 4 थीटा बाय 2 यानी 2 थीटा ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हाँ देन cos ऑफ माइनस के लिए 2 थीटा माइनस 2 थीटा कैंसिल
240 माइनस 1 प्लस 240 बाय 2 यानी व्हाट 240 है। उसमें से हम क्या कर लेंगे, हम देख लो 3 बाय 2 है कॉमन निकलता ना, देख लो उसमें क्या होता है 240 देख लो ये cos ऑफ 2 थीटा प्लस 2 into cos 2 थीटा 240 यानी व्हाट cos 180 प्लस 60 3 बाय 2 cos 2 थीटा है 2 into cos 2 थीटा तो 160 माइनस 180 माइनस 60 यानी व्हाट माइनस है क्या था ये माइनस cos 60 अगेन 3 बाय 2 ये 3 बाय 2 प्लस है यहाँ पर देख लो दोस्तों यार यहाँ पर एक पॉइंट है 3 बाय 2 प्लस उसमें से 1 बाय 2 कॉमन हुआ ये ऐसा है 3 बाय 2 3 बाय 2 क्या है ये 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू ये है एज इट इज क्या है फिर ये 3 बाय 2 प्लस 1 by 2 into again 3 by 2 plus 1 by 2 into क्या होता है ये cos 60 है cos 60 है ना cos 60 यानी इसको ऐसा दो into और 1 by 2 ये 2 को cancel अब ये cancel हो रहा यानी what answer will be 3 by 2 answer will be 3 by 2 देखो ये है question number 5 क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आवा खड़ा एनी क्वेश्चन कहां से भी हो सकता सिंपल भी हो सकता थोड़ा लेंथी भी हो सकता लेकिन क्वेश्चंस आर ऑफ द सेम टाइप्स सॉल्व करते जाओ ईच एंड एवरी चैप्टर कंटेन्स 50 क्वेश्चंस एक तुम्हारे 11 के सिलेबस में से एक चैप्टर है उसमें मैंने 10 चैप्टर्स 10 टू 12 चैप्टर्स 10 टू 11 चैप्टर्स आर प्रोवाइडेड फॉर यू। हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर क्या है ये 6 देख लो 6 के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है साइन कितना है 20 इंटू साइन कितना है 40 इंटू साइन 80 इसमें एक टर्म शायद देखो क्या गया है ऐसा अब देखेंगे क्या है यहाँ पर ये साइन टू है इनटू में 1 बाय 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई साइन 40 इनटू साइन क्या है 20 इनटू क्या है साइन 80 है हाँ 1 बाय 2 साइन साइन के लिए है ना फॉर्मूला मालूम है 2 इनटू साइन साइन के लिए क्रॉस 2 साइन बी फार्मूला देख लो अगर फार्मूला मालूम है तो देख लो 2 साइन ए इंटू साइन बी यानी व्हाट क्या है कॉस ए माइनस बी है और ये प्लस कॉस ए प्लस है 1 बाय 2 क्या है ये कॉस ए माइनस बी है ना ए माइनस बी यानी 20 और ये प्लस cos 60 इनटू क्या है ये sin 80 है sin इनटू के लिए देख लो फॉर्मूला क्या है इसको अंदर लो tan 1 by 2 क्या है sin 80 इनटू cos 20 प्लस sin 80 इनटू cos 60 cos 60 मालूम है ना कितना होता है 1 बाय 2 साइन cos के लिए क्या है फॉर्मूला साइन इंटू cos के लिए फॉर्मूला ये cos इंटू साइन साइन इंटू cos क्या है फॉर्मूला है ना 2 से मल्टीप्लाई अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर हाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड यानी 1 बाय 2 इंटू 2 1 बाय 2 क्या था ये साइन सी प्लस डी यानी व्हाट 100 है देन कॉस बाद में छोटा है ना साइन 80 माइनस ये 60 आता साइन 60 प्लस साइन 80 कॉस 60 यानी 1 बाय 2 है ना ले लो
लिखा है ज्ञात कॉमन इतना ये 1/2 × 1/2 इतना ये साइन 100 प्लस साइन क्या है 60 प्लस क्या है साइन 80 100 यानी व्हाट 100 यानी 180 माइनस चलेगा ना 100 यानी व्हाट क्या आता ये अब इसके लिए देखो क्या है ये माइनस है साइन ये 180 180 के लिए देखो क्या है ये 80 है ना माइनस देख लो ये फॉर्मूला देख लो बना हुआ ये क्रॉस क्रॉस के लिए क्रॉस बड़ा नहीं क्रॉस क्रॉस के लिए दोनों ये फॉर्मूला हमारा क्रॉस सी प्लस क्रॉस डी के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा ये क्रॉस है दोनों क्रॉस के लिए क्या है दोनों दोनों क्रॉस है ना तो इंटू क्रॉस 20 इंटू क्या है साइन 80 ये फॉर्मूला हमारे लिए साइन साइन के लिए क्या है कॉस ए माइनस बी एंड कॉस ए माइनस बी यानी व्हाट 20 है ना ये कॉस 20 ए प्लस बी यानी व्हाट साइन 80 है अब ये दोनों में इनपुट के लिए अरे साइन 100 है ये साइन 100 प्लस साइन 60 और उसके बाद ये जो है लास्ट इसमें देख लो कितना आता है ये माइनस आता नहीं क्रॉस क्रॉस के लिए ये क्रॉस क्रॉस साइन इनटू साइन यानी व्हाट क्रॉस आता माइनस है अंदर है ना माइनस यानी क्या आने वाला ये माइनस आता ये माइनस ये माइनस ये कितना आता है ये 2 यहां पर 8 दो बाहर लो यानी कितना आता माइनस आ रहा है ये 180 यानी व्हाट ये 1/4 इनटू क्या ये 100 यानी व्हाट साइन 180 है साइन 180 माइनस 80 अगेन साइन 60 √3/2 माइनस साइन 80 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा इतना है साइन 80 ये प्लस माइनस कैंसिल इतना आंसर √3/8 देख लो क्या है आंसर है ना 1/4 ये यहां पर है ना 1/4 यहां पर 1/4 इनटू √3/2 यानी व्हाट √3/8 ये है क्वेश्चन नंबर हमारे लिए 6 है देख लो ये क्वेश्चन नंबर 6 है थोड़ा सा ये तो क्वेश्चन ये चैप्टर में ये फॉर्म में है और ये सिंप्लीफिकेशन के लिए तुम्हें एक्चुअली देखना है क्वेश्चन सा एक टाइप में थोड़ा एक क्वेश्चन आने वाला है मे बी स्मॉल और मे बी ऐसा सिंप्लीफिकेशन बट बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल फॉर्मूले उसके ऊपर क्वेश्चन आते बहुत इजी आएगा इतने सिंप्लीफिकेशन के लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम इतना सिंप्लीफिकेशन के लिए पॉसिबिलिटी बहुत यानी बहुत कम ये कुछ कुछ जो क्वेश्चन है तुम अपने फॉर्मूले है उनका यूज करके ट्राई कर सकते हैं देखो क्या है यार ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 देख लो होमवर्क कर लो वही फॉर्म है पॉसिबिलिटी बोर्ड का इसके लिए बी ऑप्शन है ये 9 के लिए 9 के लिए भी बहुत सिंपल है ये थोड़ा सिंप्लीफाई करना है ट्राई करो इसके लिए बी और इसके लिए ए देख क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप 8 और 9 देख लो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप 10 यानी क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 देख लो cos 48 प्लस cosec 96 प्लस cosec 192 और प्लस cosec क्या है 384 क्या है cos 48 देख लो क्या है क्वेश्चन देख लो cos 48 कौन सा कॉल करेंगे हम ये क्या है
ये 96 है, देख लो हम कौन सा सॉल्व कर सकते इसके लिए। हाँ 48 कोसेक 96 है, 48 कोसेक 96। हाँ आई थिंक सॉरी इसमें ही नहीं, हर एक इसमें सॉरी कोसेक है, ईच एंड एवरी टर्म कोसेक के फॉर्म में है। कोसेक यानी 1/sin 48, कोसेक यानी 1/sin 96, कोसेक यानी 1/sin क्या है 192, कोसेक यानी 1/sin 384। देख लो इसमें आप कौन सा एडजस्ट कर सकते हैं। ये साइन लेंगे और ये दोनों एक साथ क्या है 1/sin क्या है 40 माइनस 192, 192 यानी व्हाट यार साइन 118 प्लस 12 है, और ये प्लस 1/sin 96, अब ये प्लस 1/ क्या है ये साइन क्या है ये 3 है ना, ये 96 कौन सा भी एक कन्वर्ट करवा देख लो कौन सा हो सकता कन्वर्ट 84 है ये 384 बाद में 24 हाँ देख लो कौन सा एड्रेस कर सकते हैं हम ये 360 प्लस 24 96 के लिए 96 के लिए क्या आता है ये 96 यानी और साइन 180 माइनस क्या है ये 84 और क्या ये 1/sin 48 माइनस 180 प्लस यानी और क्वाड्रेंट कौन सा होता है ये क्वाड्रेंट 180 प्लस यानी थर्ड में साइन माइनस 12 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है सेकंड के लिए साइन 180 देख लो क्या है ये समझ में नहीं आ रहा तो देख लो यार क्या है साइन 90 ये प्लस 12 96 के लिए 180 प्लस क्या है 180 प्लस ये है 12 192 के लिए देन इसको हम यहां पर अब ये बचा लिया क्या ये साइन 180 माइनस 84 देन ये प्लस 1/sin क्या ये 360 प्लस 24 हाँ क्या था ये प्लस 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा माइनस ये प्लस आदम दोनों भी प्लस है यानी व्हाट 1/360 और ये 24 यानी व्हाट साइन 24 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई साइन 12 माइनस साइन 48 बाय साइन 48 इनटू साइन 12 प्लस साइन 24 प्लस साइन 84 बाय साइन 84 इनटू साइन 24 है ये ऊपर साइन सी माइनस साइन डी यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी दोनों फॉर्मूले यूज करवा देखो क्या है ये फॉर्मूले देख लो क्या है ये ऊपर नीचे जो है ना फॉर्मूले एंटिटीज यूज करो जो भी फॉर्मूले है वो ये देख लो फॉर्मूले क्या यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी नीचे साइन साइन इंटू साइन है टू से मल्टीप्लाई करो टू से डिवाइड करो यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई करो टू से डिवाइड करो ये ऊपर जो है प्लस माइनस टू इंटू और नीचे जो है इंटू टू प्लस माइनस एडजस्ट करो जो ग्रेट रिजल्ट आता है इसके लिए एडजस्ट करो ये है क्वेश्चन नंबर 10 देन मेनी क्वेश्चन विल बी कंटिन्यू इन योर नेक्स्ट पेपर।